उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना सिकोहाबाद के NS2 के भूरा नहर के समीप की है, जहां इटावा से आ रहे बाइक सवार 3 युवक तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकरा गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार इटावा के रहने वाले हैं, जो बाइक से आ रहे थे, इसी बीच हादसा हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिरोजाबाद से मोहित शर्मा की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। 3 लोग आए हैं घायल अवस्था में, किस तरह का मामला है और क्या क्या हाल है? नहीं, 3 लोग हमारे पास आए हैं, जो कि एक मृत अवस्था में आया है, बाकी 2 लोग घायल हैं। और ये लोग एक ही बाइक पे 3 लोग सवार थे, इनको नेशनल हाईवे वाली एम्बुलेंस छोड़ कर गई है और 2 का प्राथमिक उपचार चल रहा है, एक के उसमें फ्रैक्चर है और बाकी के ये लोग जो है ऐसा लग रहा है कि खेत वेत में गिरे, क्योंकि पूरे मिट्टी से लथपथ हैं, और प्राथमिक उपचार इनको दे दिया गया। दोनों घायल हो गए? नहीं, बाकी दोनों लोग तो ठीक हैं और एक मृत अवस्था में आया।